हमारी जो छुपा के रखी हुई ना, देखिए दोस्तों इधर आइए, इस हांडी के अंदर दो प्लेटें छुपा के रखी हुई, ये देखो ये दो प्लेटें हैं जो हमने रखवाई हुई है दादा से बोल के, दो तीन पाँच और ये देखो ऊपर से भर भर के जो चावल है वो आ रहा है। खत्म हो गया बिरयानी, खत्म हो गया। हाँ खत्म, लेट हो गया आप आने में, बहुत लेट हो गया, काम का जाम में फंस गए। अच्छा जाम में, कोई बात नहीं, कल खा लेंगे। तो आप भीड़ देख सकते हो कितनी ज्यादा है यहाँ पे ना, और जो हांडियाँ हैं देखिए, मटन हांडी तो हमारे आते आते फिनिश हो चुकी थी, मगर जो चिकन वाली है ना वो भी पूरी खत्म होने वाली है, थोड़ा सा ही बचा हुआ है, कुछ प्लेट्स बचे हुए हैं अभी इस टाइम पे। एक्चुअली हम बहुत लेट हो गए आने में, और देखिए कुछ इस तरीके से ना प्लेट लगाई जाती है, देखिए सारी प्लेट्स के अंदर ना पहले एक आलू का पीस फिर एक चिकन का पीस जो है वो डाला जाता है, और ये है मेरे ख्याल से मटन है ये जी। अच्छा एक मटन का पीस एक बचा हुआ है, अच्छा बचा हुआ है, अच्छा अच्छा एक ही बचा हुआ था, बाकी देखिए दोस्तों चिकन भी ऑलमोस्ट फिनिश है, तो एक प्लेट तो हमने अपने लिए बोल दिया है कि एक लेंगे खा के देखेंगे कैसे है ना। ये देखिए पहले चिकन और मटन डाल दिया गया है बॉक्सेस के अंदर जो पार्सल में जाएंगी और प्लेट में सर्व किए जाते हैं यहीं पे खाने के लिए। लोग देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं अपना जो मील है ना, और हम लोग खैर आज लेट हो गए, कोई बात नहीं, एक प्लेट तो मिल ही जाएगा खाने को। और ये देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पे चिकन के पीसेज और चावल जो है बिरयानी की वो रखी हुई है, और खुशबू लाजवाब आ रही है दोस्तों, मैं सच बता रहा हूँ यहाँ पे ना खुशबू इतनी बढ़िया आ रही है ना, जैसे ही ढक्कन खोल रहा है ना हर बारी, तो जो केवड़ा वाटर और रोज़ वाटर की जो खुशबू होती है ना जो बिरयानी में मतलब डाली जाती है, जो उसका खुद का एसेंस होता है एक बिरयानी का, वो यहाँ पे मिल रही है ना। और लोगों की भीड़ देख सकते हो दोस्तों, खचा खच है। देखो अब जो सारी चीज़ें हैं ना वो फिनिश भी होने वाली है, मगर फिर भी देखिए किस तरीके से भीड़ जो है यहाँ पे लगी हुई है। एक बजे जब आओगे ना सीन कुछ अलग होगा, यहाँ से वो जो पेड़ है ना, ओ भाई वहाँ तक लाइन लगी रहती है, एक बजे 50 प्लेट कर। अरे अमित भाई आज आप, आपकी वजह से हम लोग लेट हुए आज, आपने लेट किया है, आप गलत जगह लेके चले गए थे, पहले आपको पहले यहाँ लाना चाहिए था। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे प्लेट्स लग रही हैं, तकरीबन 5 प्लेट्स है ना जो एंड में बच गई है, अब वही लग रही है, इसके बाद तो खत्म है ना दादा साहब, हैं आज का कोटा पूरा सब कुछ खत्म। बहुत बढ़िया, तो ये देखिए आलू बिरयानी बची है कुछ इस तरीके से ना, ये जो प्लेट है वो लगाते हैं, और जो प्लेट है उसमें देखिए एक एक प्लेट में ना एक एक चिकन और एक एक आलू का जो पीस है वो लग रहा है, ये हाफ प्लेट है, ये हाफ प्लेट है जी। अच्छा ये देखिए दोस्तों दो तरीके की प्लेट्स हैं यहाँ पे, ये वाली फुल है जो बड़ी है, और ये वाली हाफ प्लेट है, जैसे कि ये हाफ प्लेट्स की जो बिरयानी है वो लग रही है ना 5, वो यहाँ पे लगाई जानी है। थोड़ा सा जाता है ऊपर से मसाला इनका खुद का जो लास्ट में हमारे पास रह गया है ना, आहा क्या खुशबू आ रही है अंकल इसको खोलते ही, क्या बात है जी, ये चेक करो ये देख, ऊपर से भर भर के जो चावल है वो आ रहा है। ऊपर से डाला जाता है दोस्तों इसके ऊपर ना प्याज, देखिए लच्छेदार प्याज जो है वो काट रखा है, और वो इस बिरयानी के ऊपर से सर्व किया जाता है। तो ये लास्ट की जो 5 प्लेट्स हैं वो लग चुकी हैं, तो लास्ट की ये कुछ 5 प्लेट्स। अच्छा ऊपर से हरी मिर्च भी जाती है जी। अरे वाह, जो मिर्च खाने के शौकीन है ना भैया, तीखी तीखी, उनके लिए मिर्च भी है। एक बजे हम आते हैं, दुकान लगाते लगाते 1:30 बजता है, जब तक माल रहेगा तब तक 3:30-4 के अंदर अंदर माल खत्म। पहले 2 हंडिया बनाते थे, लेकिन अभी ये जो कोरोना जब से आया था तब से थोड़ा सा कम कर दिया। अच्छा जो थोड़ा सा ज्यादा रहेगा तो फिर बाद में दिक्कत हो जाएगा। हाँ दीची, ओ आमी समरदार बिरयानी खाच्छी 2007 থেকে, তো এত ভালো বিরিয়ানি মানে এই দামে, এই আমি বলছি না যে এর থেকে ভালো বিরিয়ানি হয় না, এখন আমি এই বিরিয়ানিটা 10 times দাম দিই, মানে আমি 10 times ভালো কোয়ালিটি পাবো। সমরদা এই যে দাঁড়িয়ে এই দামে বিরিয়ানিটা দেয়, এটা কলকাতায় আর কেউ দিতে পারবে। আমি 2007 থেকে মানে 15 বছর খাচ্ছি, যখনই সময় পাই এদিকে আসি, আমার বাড়ি একদম নর্থ ক্যালকাটায় নিয়ে এসছি, খুব ভালো বিরিয়ানি। মেরা একটু টার্গেট থা যে খানে কা লাইন মে হমকো ঘুসনা হ্যায়, जो हमको हमारा घर में भी हम खाना अच्छा पकाता था, उसी टाइम हमको याद आ गया था कि हम तो खाने का दुकान बनाएंगे जो अच्छा खाना आदमी को थोड़ा सस्ता में सेल करेंगे। तो बहुत दिक्कत हमको भोगने पड़ा, बहुत झीलने पड़ा हमको, एक जगह से दूसरा जगह दुकान लगाने में बहुत झीलने पड़ता है, उसका बाद जाके एक तो दुकान सेट होता है। 99 से अभी तक ले, अभी 2023 तक रनिंग चल ही रहा, उसका बाद कितना कोरोना वोरोना चला गया।
तो अमित दादा, हाँ जी, एड्रेस बताओ जरा एक बार, यहाँ का क्या है? ये एड्रेस जो है ना भैया, एकदम प्रॉपर में साउथ कोलकाता में आप चले आओ डायरेक्टली कालीघाट, कालीघाट के पास आपको मिल जाएगा प्रिया सिनेमा हॉल। उसके ठीक थोड़ा आगे आ जाओ, हाँ, बानी चक्र बोल के एक इंस्टीट्यूट है, हाँ हाँ, उसके ठीक आगे आपको मिल जाएगा शोमोरदा का सबसे फेमस बिरयानी। और फेमस मैं देख रहा हूँ किस तरीके से, क्यों फेमस है? क्योंकि इतनी भीड़ देख रहे हो आप इतनी, जरा इतनी जबरदस्त भीड़ है टाइम में है। आप यदि पहले आओगे ना, एक बजे भैया लगाते हैं, ठीक है, आपका देखो आपका दो ढाई तीन बजे के अंदर पूरा माल खत्म, पूरा माल 100 प्लेट बनाते हैं, ठीक है। और यही इनका काम है, मतलब क्या है, इससे ना ज्यादा बनाएंगे ना इससे कम, मतलब फिक्स अमाउंट में बनाते हैं और फिक्स अमाउंट में सेल हो जाता, सेल हो जाता है। और ये भी नहीं है कि बाद में फिर से आएगा, फिर से बनेगा, ऐसा कुछ नहीं। वही बिजनेस सबसे सही है कि बता इतना अमाउंट में बनाया, इसको सेल करो और आराम करो, है ना, है अगले दिन की प्रिपरेशन में लग जाओ कि भैया अगले दिन क्या खिलाना है, कितना खिलाना है। इनके घर पे गए अभी ये भैया, ये खत्म करने के बाद शाम से ये रेडी करेगा अपना बिरयानी का मसाला। अच्छा, कल के लिए, कल के लिए पूरा जो खाना है ना लकड़ी में बनाते हैं, लकड़ी पे बनता है। अरे वाह, खाओगे ना, हाँ, जो फ्रेग्रेंस आएगा पूरा लकड़ी का आएगा, मतलब जो स्मेल आती है, खुशबू आती है, एकदम एकदम खुशबू आती है। और ये हो गया शमरदा की स्ट्रीट, प्रॉपर कलकत्ता की स्ट्रीट बिरयानी है ना, हाँ, ये एकदम प्रॉपर कलकत्ता की स्ट्रीट बिरयानी, एकदम प्रॉपर ऑथेंटिक टाइप में, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जो तोरू फोरू जो बोल सकते हो सर वही है सर। अरे वाह क्या बात है। देखिए दोस्तों, आज हम तीनों दोस्त जो है, तीनों भाई लोग आए थे यहाँ पे ये बिरयानी ट्राई करने के लिए। अपने रॉबिन भाई भी जो है वीडियो देखिए शूट करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि बिरयानी जो है वो तो फिनिश हो चुकी है, तो सोचा कुछ कंटेंट थोड़ा सा बना लिया जाए, जो बचा कुचा है उसको ही टेस्ट किया जाए, एक दो प्लेट बचे हुए हैं उसको टेस्ट करेंगे और देखेंगे कैसा है टेस्ट। ये रॉबिन भाई, रॉबिन भाई कैसा, मतलब अब हम लोग आज लेट हो गए, ढक्कन खुला है ना सर, मजा आ गया, मजा आ गया, बहुत अच्छी है बिरयानी, मतलब हम लोग कलकत्ता में बहुत सारा शूट कर रहे हैं, हाँ, लेकिन ये वन ऑफ द फाइनेस्ट खुशबू वाली बिरयानी है। दूर से ही जैसे हम लोग आ रहे थे, जैसे हम लोग अभी गैप से उतरे तो खुशबू जो है वो मिलने लगी कि भैया बिरयानी की जो खुशबू है वो आने लगी है, और आके ना यहाँ से थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो गया क्योंकि बिरयानी खत्म हो चुकी है। देखो मटन बिरयानी तो फिनिश है, लास्ट ना छुपा हुआ एक मटन का पीस था, हाँ, देखा मैंने, देखा एक पीस उसमें रखा हुआ था, हाँ, वो भी किसी के कस्टमर का था, वो निकल गया, वो भी गया हमारे हाथों से। तो चलिए बढ़िया है, इसको टेस्ट करते हैं और देखते हैं कैसा है। फिलहाल मैं आपको दिखाऊँ अगर, तो यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके का जो रश है वो लगा हुआ है ना, एंड में हम बज रहे हैं दोस्तों, 3:15 के करीब हो रखा है। तो लाइए दादा एक प्लेट हमारी जो छुपा के रखी हुई ना, देखिए दोस्तों इतना ये इस हांडी के अंदर 2 प्लेटें छुपा के रखी हुई, ये देखो ये 2 प्लेटें हैं जो हमने रखवाई हुई है दादा से बोल के, क्योंकि बाकी का सामान जो है ना सब फिनिश है, हमने बोला भैया ये एंड वाला हमारे लिए रख दीजिए, ये आ गई हमारी प्लेट। आइए भैया देखो, कुछ ही जगह ऐसी होती है जहाँ पे जो बिरयानियाँ हैं या फिर जो भी आइटम वो सेल कर रहे हो ना उसकी हाई डिमांड होती है, इतनी डिमांड कि मतलब 1-1.5 घंटे के अंदर ही ना सारी चीज़ जो है वो फिनिश हो जाए, है ना। ऐसी एक ये वाली स्टॉल है समर दादा की, जो कि कोलकाता में है। एड्रेस वगैरह सब कुछ आपको डिटेल सारा वीडियो में तो आपने सुन लिया या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक करिएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि यार इतनी हाई डिमांड, इतना लोग इसको पसंद करते हैं कि घंटे के अंदर जो है ये सारा आइटम 100 प्लेट टोटल जो बिरयानी है वो सारी की सारी बिक गई है। भाई साहब इससे जो उम्मीदें हैं ना वो काफ़ी बढ़ गई हैं। आओ पास से दिखाता हूँ आपको, ये देखो ये है खिले खिले से बासमती राइस यूज़ करते हैं, है ना। कोलकाता में मैंने एक चीज़ नोटिस करी, यहाँ पे ना हैंकी पैंकी से कलर यूज़ नहीं करते, जैसे रेड कलर हो गया, ग्रीन कलर हो गया, बहुत जगह पे ऐसा यूज़ करते हैं बिरयानी में, मगर यहाँ नहीं करते, यहाँ सिंपल ही बनाई जाती है। ऊपर से सर्व किया गया है अनियन, अंदर आपको मिलेगा आलू का पीस और ये चिकन का पीस। ओए हो, ये देखो ये चिकन का पीस है और इसी में कहीं आलू नीचे छुपा हुआ है, अभी मैं मतलब छेड़ना चाहता कि सारा जो चावल है ना वो गिरने लगेगा। तो आओ इसको टेस्ट करते हैं भैया। खुशबू तो मैंने आपको बता दी कि बड़ा ही लाजवाब खुशबू जो है वो आई थी हमें इसके अंदर से। सबसे पहले जो चावल हैं उनको एक बार ट्राई करते हैं, है ना। खुशबूदार मज़ेदार चावल है, गर्मा गर्म है और बिल्कुल सॉफ्ट है। हल्की चीज़ में ना हल्का सा तीखापन है, मतलब हल्का सा बिल्कुल, आप देख सकते हो ऊपर से जो मसाले स्प्रिंकल किए थे ना उसका एक फ्लेवर है, है ना। ये आ गया हमारे पास चिकन, ये देखो ये चिकन का पीस अंदर से बिल्कुल अच्छे से कुक हो रखा है। और बिरयानी में क्या खास बात होती है दोस्तों, मटन हो चाहे चिकन हो वो ना दम पे पकाई जाती है, तो दम पे पकने की वजह से ना जो मीट होता है वो अंदर ही अंदर अच्छे से सॉफ्टली कुक होता है दम लगने की वजह से, है ना। ऐसा नहीं होता कि कोई मतलब जैसे फ्राई करते हैं कुछ होता है ना तो हार्ड हो जाता है, वो नहीं होता बिरयानी में, अंदर से एकदम अच्छे से कुक होता है बिल्कुल स्टीम में। तो चिकन के साथ थोड़ा सा प्याज लेते हैं, है ना, चावल लेते हैं और एक बाइट और। हम्म,
चिकन गजब बिल्कुल सॉफ्ट, वाह क्या बात है। स्ट्रीट पे इस तरीके की बिरयानी मिलना एक अलग ही लेवल है दोस्तों, सच बता रहा हूँ आपको। इस तरीके का ना बिरयानी जो है अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में या फिर हमें ढाबों में या किचन्स में नहीं मिलती हैं। संडे को मेरे ख्याल से छुट्टी होती है, अदरवाइज़ वो डेली लगाते हैं वीक में 6 दिन, है ना। और ये एक 30 साल पुरानी है दोस्तों, 30 साल पुरानी एक आर्ट है ये ना, यहाँ पे लगाते हैं 30 सालों से। और जो शुरुआत हुई थी जैसे ये बता रहे थे, मेरे ख्याल से 10 या 12 रुपये से इन्होंने शुरुआत करी थी, और अब 30 साल पहले का रेट और अभी के रेट में तो दोस्तों ज़मीन आसमान का फर्क है। अभी भी फिलहाल 90 रुपीज़ में सर्व कर रहे हैं, सोच सकते हो बहुत इकोनॉमिकल है। और लोग यहाँ जो आसपास काम करते हैं या फिर दूर दूर से लोग जो आते हैं इसको बहुत अच्छे से पसंद करके खाते हैं। 2 घंटे में खाली कर देते हैं, मतलब बनाता है सिर्फ 100 प्लेट है, ये भी एक खासियत है दोस्तों, है ना सर की जितना माल बनाया उतना ही बेचा और अपना घर जाके नेक्स्ट डे की हाँ चैन से चादर तान लिए, चादर तान के आराम किया और उसके बाद अगले दिन की तैयारी शुरू कर दी। बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया सर ये बिरयानी खा के, है ना। हल्का फुल्का है ना, लाइट वेट है, गंदराज का फ्लेवर आया नहीं यहाँ पे, हल्का था जो नींबू होता है इनका उसका, मैं बोला जो मसाले डाले हैं और एक फ्लेवर आ रहा है उस चीज़ का, एक अच्छा फ्लेवर आ रहा है ना, बढ़िया। तो इसको फिनिश करते हैं दोस्तों, रॉबिन भाई ने तो हमारा आधा खा चुके हैं, है ना, आधा हमारा देखो इनका आधा फिनिश हो रुका है। जो लोग कहते हैं ना वीडियो में कि हम लोग खाते नहीं हैं, तो देख लो खाते हैं भाई, खाना वेस्ट नहीं करते, और अगर बच जाता है तो पैक करा के या तो घर पे जाकर खाते हैं या तो किसी जरूरतमंद को दे देते हैं जो उठा नहीं रहता है। देखिए जो घर ले जाने वाली बात है ना उसमें वो थोड़ा हम लोग कम ही करते हैं, क्योंकि हम लोग है पेटू, खाने का शौकीन है, हम लोग खा जाते हैं फिनिश करके ही बांधते हैं, है ना। और वो बहुत ज़्यादा जब हो जाता है ना तो लगता है कि भाई मान लो कि 2-3 दिन शूट किया हुआ ऑलरेडी, खाना वेस्ट नहीं करना, वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप लोग भी यही करिएगा, देखिए खाना वेस्ट नहीं करिएगा। विपिन भाई ने एक वीडियो बनाई है उसमें बुफे में कर रहे हैं, उन्होंने ये बात बताई भी है कि खाना उतना ही लो बुफे, मतलब ऐसा है कि आपने पैसा दिया तो अनलिमिटेड तो जितना मैंने खा ले लिया प्लेट जाके फेंक दिया, फेंकना नहीं चाहना खाना को, क्योंकि बहुत लोग खाली पेट इस देश में आज भी सोते हैं रात को, बिल्कुल खाना बर्बाद नहीं करते, तो बर्बाद नहीं करते, खाइए। तो चलिए दोस्तों इस बिरयानी को ना फिनिश करते हैं, है ना। काफ़ी मज़ेदार थी, काफ़ी मज़ा आया। आइए यहाँ पे लंच टाइम में आएंगे ना 1 बजे के करीब, तो आपको अच्छे से गर्मा गर्म बिल्कुल उसी टाइम बना हुआ आपको बिरयानी मिलेगी। खैर बनता तो फ्रेश ही है, चाहे 1 बजे आइए 2 बजे आइए, हाँ एंड में आएंगे दोपहर के एंड में, मतलब 3 बजे तक तो फिर मिलेगी नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, है ना। आज लकीली हम लोग यहाँ पहुँच गए टाइम से और हमें एक प्लेट तो मिल ही गई, है ना। ये फिनिश करता हूँ, आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी हो कोलकाता बिरयानी की, और कोलकाता में हम बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं और नई नई जगहों पे जा रहे हैं, अलग अलग चीज़ें फ़िश ट्राई कर रहे हैं, मटन ट्राई कर रहे हैं ना, मैंने यहाँ पे क्रैब भी ट्राई किया, बिल्कुल डिफरेंट फ्लेवर था उसका, उसकी भी वीडियो देखेगा जब आएगी। इसको फिनिश करते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, हमारे चैनल फूड फटाफट को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। तो अब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो देखिएगा ज़रूर, अभी फ़िलहाल बाय बाय।